तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं हम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से ये अष्टमी और नवमी स्पेशल हलवा चना और पूरी। बहुत ही टेस्टी बनाएंगे, तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। तो चना बनाने के लिए यहाँ पे हमने सोक किए हुए चना लिए हैं रात भर, तो इसको हमें कुकर में डालना है। इसमें पानी ऐड करके नमक डाल के इसमें 2 सीटी आने तक इसको पका लेना है। इसका पानी हमें अलग कर देना है। अब एक बाउल के अंदर हम इस तरह से कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे, साथ में पानी ऐड करके इसका घोल बनाकर तैयार कर लेना है। कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें जीरा और हींग डाल के ये घुला हुआ मसाला डाल देना है। इसको पकाना है तेल अलग होने तक। अब इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए चने, इसको अच्छे से पकाएंगे। इसमें चने का निकला हुआ पानी इसमें डाल देना है और कवर करके पकाएंगे जब तक पानी खत्म ना हो जाए। इसमें गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। तैयार है हमारी ये चने। अब बनाइए हम बहुत ही टेस्टी सा हलवा। तो हलवा बनाने की सबसे पहले कढ़ाई में घी डालना है। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो आप रोस्ट कर लें। इनको निकाल लेंगे किसी प्लेट के अंदर। अब इसमें थोड़ा घी और डाल के इसमें सूजी डाल देंगे। सूजी डालने के बाद इसको गोल्डन ब्राउन करना डालते हैं, इसको हमें कुक करना है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम पानी। पानी डालने के बाद इसको हमें पकाना है जब तक पानी खत्म ना हो जाए। अब इसके अंदर चीनी डाल देनी है। इसको लगातार चलाते हैं, मिक्स करेंगे और कवर करके पकाएंगे। अब इसको फिर से मिक्स कर देना है। अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट और इलायची का पाउडर ऐड करके इसको चला देना अच्छे से। इसी तरह हमारा तैयार हो जाएगा हलवा। और साथ में हम तल लेंगे एकदम गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो पूड़ी के आटे में हमने नमक और हल्दी ऐड किया था। तो दोस्तों, इसी तरह तैयार हो जाएगी मेरी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी थाली। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपीज़ के साथ।